पुलिस प्रशासन ने बैंक लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक महिला को लोन दिलाने के बहाने उसके पति की जमीन अपने नाम कराई, उसके बाद उस जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी और को बेच दिए। महिला ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस व एसओजी की टीम ने ये कार्रवाई की है। ये मामला देहरादून का है, जहां पीड़ित महिला का नाम उषा शर्मा है। उषा ने अब्दुल सत्तार और रईस नाम के व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उषा ने शिकायत में बताया था कि लोन दिलवाने के नाम पर अब्दुल और रईस ने उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। उन्होंने उनके पति की जमीन को बेच दिया। उषा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब्दुल और रईस पर धोखाधड़ी के मामले के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इन पर 20,000 का इनाम भी घोषित किया था। इन आरोपियों को लगातार पुलिस व एसओजी की टीम तलाश कर रही थी। मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा की जा रही है, उसी क्रम में जो हमारा थाना बसंत विहार पर एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें कि एक महिला द्वारा बताया गया था कि दो व्यक्ति अब्दुल सत्तार और रईस द्वारा जो है फर्जी आरोप लगाने के नाम पर उसकी जो जमीन है अपने नाम करवा ली गई थी। इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और एक अभियुक्त की पूर्ण अरेस्टिंग हो चुकी है। इसके अलावा ये जो दूसरा अभियुक्त है रईस, ये लगातार वांछित चल रहा था, जिसमें जो है एसओजी की टीम और थाना बसंत विहार टीम द्वारा जो है अथक प्रयास से जो है इसकी अरेस्टिंग की गई है। 20,000 का इनाम। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।